आप जिस किसी भी देवी देवता संप्रदाय के अनुसार अपने भाल को सूना मन छोड़िए। माताएं सदभा नारियां अपने मस्तिष्क पर बिंदी लगाती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं। याद रखना, पति के सन्मुख बिना भाल पर बिंदी लगाए हुए और बिना माथे में सिंदूर भरे हुए नारी पति के सन्मुख नहीं जाती। प्रमाण में आपको देता हूं, प्रभु राम अपनी गद्दी पर बैठे थे, उन्होंने श्री हनुमंत बलवंत जी को कहा, हनुमान अपनी माँ को बुला के ले आओ और कह दो कि मैं आ गया हूं। प्रभु हनुमान जी राम जी के कहने से हनुमान गए तो माँ मांग में सिंदूर लगा रही थी। इतने में हनुमान जी ने जाके कहा, माँ प्रभु ने याद किया है, भगवान दरबार में पहुंच गए। तो माता जानकी ने कहा, हनुमान थोड़ा मांग में मैं सिंदूर लगा लूं, क्योंकि सिंदूर के बिना नारी पति के सन्मुख नहीं जाती। ये माँ जानकी के शब्द थे। दुर्भाग्य है, बिंदी भाल पर नहीं बासवेसन के ऊपर चिपकी रहती है। आज सिंदूर में भी क्या बोलूं, नहीं बोलूंगा। आप होशियार ज्यादा है, आपके बीच में बोलने की जरूरत भी नहीं है। माइक खुलवाइए। और भक्त के माथे पर तिलक, चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम भरदानम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। संपदा उनका संग छोड़ती नहीं है। आपने तो नोटों को ही संपत्ति मान लिया है, आपके पास अच्छी संतान है ये भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है, लोग आपका सम्मान करते हैं भी बहुत बड़ी संपत्ति है, आप देवीय स्वभाव के साथ जीवन जी रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने 6 प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया। आप सबको समभाव से देखते हैं ये भी संपत्ति है। आपने इंद्रियों का निग्रह किया है ये भी एक संपत्ति है, समदम। तितिक्षा, आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं ये भी एक संपत्ति है। आपको जो मिला उसके ऊपर आप प्रसन्न हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यह भी एक संपत्ति है। मस्तिष्क पर आप चंदन लगाते हैं, जिव्या पर भगवान का नाम लेते हैं, तो इससे मन को बहुत बड़ी शांति मिलती है। तो भगवान परशुराम माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए हैं, उनका आगमन हो गया, सिर पर जटा, सुंदर मुखचंद्र, क्रोध के कारण कुछ लाल लाल सा हो रहा था, क्योंकि धनुष टूटने की टंकार सुनकर के आए थे ना, चेहरे पर कुछ क्रोध था, भौंहें टेढ़ी और आंख में कुछ क्रोध की लालिमा दिख रही थी। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो भगवान परशुराम सबको क्रोध के मारे देख रहे। वृषभ कंद और बाहु विशाला, बैल के समान ऊंचे ऊंचे उनके कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर सा जनेऊ धारण किए हैं, माला पहने हुए हैं, मृग चर्म लपेटे हुए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल, दो तरकस बांधे हैं, हमेशा ये दो तरकस बांध करके चलते थे, हाथ में धनुष्मान और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए, ये उनके सौंदर्य स्वरूप का वर्णन किया है भगवान परशुराम का। मेरा फेवरेस्ट देव है, और इसलिए नहीं है कि आपको यह लगे कि वो ब्राह्मणों के देवता हैं। कौन कहता है वो ब्राह्मणों के देवता हैं, वो सबके देवता हैं, वो सबके हैं वो, लेकिन अब उनको कोई जाति में बांध ले तो ये दुर्भाग्य है। भगवान परशुराम सबके हैं, और उनको मुक्त कर दो, उनको सबके ही रहने दो, वो सबके रहें तो ही ज्यादा ठीक है। संसार के तुच्छ प्राणियों से उनकी उपमा मत दीजिए, ईश्वर हैं वो, भगवान है वो, अनादि काल से भगवान परशुराम, भगवान गणेश के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर के उन्हें फरसा दिया, भगवान गणेश ने दिया था फरसा, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। हो सकता है कि हम यही सुनते रहे हों कि भगवान शंकर ने उन्हें फरसा दिया है, भगवान शंकर ने उन्हें तरकस दिए, उन्हें बाण दिए हैं, भगवान गणपति ने उन्हें फरसा दिया है, बहुत बड़ा तेज है उनके चेहरे पर। शांत भेष करनी कठिन वर्ण जाए स्वरूप, धर्मुन तन जन वीर रस आयो जहां सब भूख।
बाबा तुलसी कहते हैं शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है उनकी, स्वरूप का वर्णन क्या ही नहीं जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके इन राजाओं के बीच में प्रकट हो गया। राजाओं को लगा कि हमारी मौत आ गई तो प्रणाम करने लगे, कहने लगे गुरुजी आप चौमासा करने के लिए हमारे यहाँ आए थे, तब तुलसी पत्र बेल पत्र हम ही तो तुम्हें लाके देते थे। एक ने कहा गरम गरम दूध गैया का हम ही तो तुम्हें ला करके देते थे। एक ने कहा आपके चरणों को हम ही तो रात को दबाते थे। सब इस प्रकार से चाहते हैं कि परशुराम भगवान हमारी बात सुनकर प्रसन्न हो जाएं तो हमारे प्राण सुरक्षित बने रहे। तो ऐसी बातें वो कर रहे थे, इतने में क्या हुआ, जनक बहुर आए सुरनावा। महाराज जनक आए, उन्होंने मस्तक से झुकाया, सिय बुलाए प्रणाम करावा, बिटिया जानकी को बुलाया, सीता माई ने प्रणाम किया, आस दीन सखी अरसानी, भगवान परशुराम ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र मेले पुण्य आई, तत्पश्चात श्री विश्वामित्र जी आए, पद सरोज मेले दो भाई राम लक्ष्मण को कहा प्रणाम करो, उन्होंने प्रणाम कर लिया। राम लक्ष्मण दशरथ के ढोटा दीन सी देखवल जोटा, राम लक्ष्मण को उन्होंने आशीर्वाद दिया। राम ही चितय रहे थक लोचन, राम जी को ऐसे देखते रहे कि राम जी के ऊपर से निगाह नहीं उठती भगवान परशुराम की। प्रभु राम तो थे ही इतने सुंदर, लेकिन हुआ यह है कि जैसे ही उन्होंने एकाएक प्रभु राम के ऊपर से अपनी निगाहें उठाई तो टूटे धनुष के ऊपर दृष्टि पड़ गई, और जैसे ही टूटे धनुष के ऊपर दृष्टि पड़ी उसी समय क्रोध आके सवार हो गया। और ये सीधा सा सिद्धांत है, राम है अखंड और धनुष है खंड। जब अखंड परमात्मा के ऊपर से निगाहें आप खंडर दुनियादारी के ऊपर डाल दोगे तो वहां तो क्रोध ही आकर के पैदा हो जाएगा, और क्या होगा। जब दृष्टि अखंड के ऊपर टिकी रहेगी तो ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना क्रोध आएगा। और अखंड के ऊपर से खंडर के ऊपर निगाहें डाल दी तो दुनिया भर के दोष माथे पर आकर के सवार हो जाए। इसलिए हम अपनी निगाहें अखंड के ऊपर बनाए रखें तो ही ज्यादा ठीक है। लेकिन उनकी तो निगाह इधर उधर चली गई, और जैसे ही क्रोध आया तो सबसे पहला उनका वाक्य क्या निकला मुंह से, वो क्या कहते हैं, जे ही कारण महीप सब आए, ये मोर जनक राधे तुम्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है, कथा में ध्यान नहीं है। समाचार कही जनक सुना, ए जनक मुझे बता ये क्षत्रिय सम्मेलन किस लिए हुआ है, क्या तुम्हें पता नहीं है परशुराम की अनुमति के बिना इस मृत्यु लोक पर कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता। जे ही कारण महीप सब आए, मैं पूछना चाहता हूं इन राजाओं का आने का कारण क्या है। जैसे भगवान परशुराम गर्जना किए तो बादल डिमडिम गर्जने लगा। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में, बार बार वो धनुष के टूटे हुए भाग को देखते हैं, क्रोध आ गया, कही जन जनक धनुष, ए जनक बता धनुष कै तोड़ा, ये धनुष किसने तोड़ा है, बेग दिखाए मूर्त आजू नि या तो धनुष तोड़ने वाले को निकाल दे बाहर, नहीं तो तेरा पूरा राजपाट उल्टा कर दूंगा। अति डर उतर दे तुमने पनाई कुटल भूप हर से मनमाई। अबे निर्लज राजा बैठे हुए थे ना, वो इतने खुश हो रहे थे, कह रहे थे यार बाजुओं को फड़का फड़का के, हमारे अंदर तो इतनी ताकत थी उंगली लगाते ही धनुष तोड़ देते, हमें पता था। ध्यान है भाई, हमें पता था कि ये क्रोधी महात्मा आएगा, इसलिए हमने तो जानबूझ करके धनुष तोड़ा नहीं, नहीं तो ये धनुष तोड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ही थी। अब इन लड़कों को पता चलेगा कि धनुष तोड़ना क्या कोई सहज है क्या। हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो अच्छे गुरु के द्वारा पढ़े हैं, और हमारी जैसी समझदारी इन छोकरों में कहाँ से चल करके आ जाएगी। मेरे प्रभु के साथ ऐसी अभद्र यह भाषा
हमारी जैसी बुद्धिमानी, हमें तो ये पता था कि ये ऐसा ही होने वाला है, और अब इनको पता चलेगा। और जब इतना क्रोध किया तो मन पछताई से सिय मेहतारी, माता सुनेना की आंख में आंसू आ गए, ये गलत है, ये गलत है, क्या आने क्यों दे रहे हो? माता सुनेना की आंख में आंसू है। पहले तो धनुष टूट नहीं रहा था, तब दुख था, और अब धनुष टूट गया तो क्रोधी महात्मा न जाने कहां से आ गया। यदि किसी ने यह है कि दिया के धनुष राम ने तोड़ा है तो ये तो प्राण ही ले लेगा। माता जानकी की मेहतारी, माता सुनेना रुदन करती है, और उधर वो आग बबूला हो रहे हैं। महाराज जनक कुछ बोलते नहीं, बोल कैसे दें? बेटी के मांग के सिंदूर का सवाल था। मेरे प्रभु राम समझ गए कि महाराज जनक इस समय बहुत बड़ी दुविधा में हैं, बहुत बड़ी परेशानी में हैं। तो गुरुदेव के पास जहां प्रभु राम बैठे हुए थे, गुरुदेव के चरणों में मत्था रखते हुए राम खड़े हो गए। राम जैसा तो पात्र ही नहीं, राम तो भगवान है, ईश्वर है। प्रभु राम श्री विश्वामित्र जी के सामने प्रणाम किया, वंदन किया, चल पड़े वहां से और सीधे भगवान परशुराम जी के सामने खड़े हुए। प्रभु राम हाथ जोड़ लिए, सबसे पहले प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, जिसने इतनी बड़ी गलती की है, धनुष तोड़ दिया, तो वो कोई आपका ही दास होगा, ये आपका कोई दास होगा। प्रभु राम के मुख से जो शब्द निकले, हा कमाल, क्या वाणी निकली है। अगर ना देखो नाथ संबोधन भज्य निहारा, नाथ संबोधन भज्य निहारा, हुए के एक दास तुम्हारा, नाथ गुरुदेव जिसने इतनी बड़ी गलती की है वो कोई दास आपका ही होगा। आप आज्ञा क्यों नहीं करते कि जिसने इतनी बड़ी गलती की है वो इस गलती का प्रायश्चित कैसे करे? हे प्रभु राम के सर, आयस कहा कहिए किन मोई, आप आज्ञा करो ना, आप आज्ञा करो, वो दास आपकी आज्ञा का पालन करेगा। तो सुन रिसाए बोले मुनि, महात्मा ये शब्द सुनकर उन्हें तो भारी क्रोध आ गया,
और वो क्या बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का तो मतलब है जो सेवा करे। अरे करनी कर करिए लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, उसने तो शत्रु का काम किया है। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु अर्जुन की तरह मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन। सो बिलगाय बिहाय समाजा, जिसने इतनी बड़ी गलती किया जानक, या तो उसे राम राज समाज से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा। मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा, मुझसे एक भी जिंदा नहीं निकला। कुछ खड़े हुए परशुराम का राम, एक ही डांट में सबके सब बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि महात्मा की अनुमति के बिना कोई अपना पसीना भी पहुंच करके बता दे। यह था तेज, यह था प्रभाव। किसी ने खड़े होने की कोशिश भी करी, आंखें निकाली, वहीं की वहीं बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा होकर के बता दे। और जब इतना क्रोध किया भगवान परशुराम ने, तो लखनलाल खड़े हो गए। लखनलाल ने मन में विचार किया कि भाई साहब की मुलाकात गलत हो गई, ये बाबा तो मेरे लायक होना चाहिए, ये मुठभेड़ हो गई गलत। तो गुरुजी विश्वामित्र के पास लक्ष्मण गए। लक्ष्मण ने कहा, गुरुजी गुरुजी भैया की मुलाकात थोड़ी गलत हो गई है, आपकी अनुमति हो तो दो दो हाथ में जाके कर लूं। भगवान परशुराम ने कहा, दो ही दो करना, ज्यादा न करना। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए लखन आगे बढ़े। तो राम जी तो समझ गए कि लक्ष्मण गुरु आज्ञा के बिना आ नहीं सकता, अब गुरु जी ने आज्ञा दी है तो मुझे पटरी खाली कर देनी चाहिए। तो प्रभु राम जी एक तरफा हो गए और लखन लाल परशुराम जी के सामने आए। यही तो जीवन की होशियारी है कि किस समय में तुम्हें कहां खड़ा होना है और किस समय वहां से तुम्हें हट जाना है। घर में विवाद होता है तो तुम खड़े ही रहते हो, लेकिन भलाई तो इसमें है कि जब सामने वाले को क्रोध आ रहा है तो आप ठंडे होकर के वहां से थोड़ा इधर उधर चले जाइए। गुरुजनों को क्रोध है, आवेश है, तो हम लोगों को वहां से हट जाना चाहिए। पापा को थोड़ा आवेश है तो बेटे को दूर हो जाना चाहिए। पति को थोड़ा आवेश है तो घरवाली को भी इधर उधर हो जाना चाहिए, और घरवाली को भी थोड़ा क्रोध है तो पुरुषों को भी इधर उधर हो जाना चाहिए। प्रभु श्री राम जी ने देखा कि गुरु जी क्रोध में ज्यादा हैं, तो मेरे प्रभु श्री राम एक तरफा हो गए, एक तरफ हो गए। लखन लाल जी सन्मुख चल कर गया है और लखन ने क्या कहा, शिरा दे, अब आ गए। क्या बोले लक्ष्मण, बहु धनु ही तो बहु धनु ही तो रील रे काए अब होन सर स के न गोसाए। यही धनु परे वक्ता तो भागवत जी के, लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा है कि हर पुराण हर ग्रंथ की कथा कहने का सौभाग्य मौका प्राप्त हुआ। गुरुजनों ने कृपा की है, संतों ने कृपा की है। इस भारत की धरती पर इतना बड़भागी हूं, इतना भाग्यशाली हूं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान व्यास ने सब ग्रंथ मेरे लिए लिखे थे क्या। ये मन में मलाल नहीं है कि इस कथा के बिना रहेगा, इस कथा के बिना रहेगा। भगवत कृपा से इस व्यास स्वीट से आपको राम कथा सुनाई जा रही है। सच तो यह है कि इसमें मेरी योग्यता बिल्कुल भी नहीं है, कि बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद। 15 दिन की कथा है राम कथा। यदि ये कथा 3 महीना होती तो भी यही लगता कि अभी प्यासे रह गए हैं, पूरा नहीं सुन पाया, ऐसा राम का दो चल। कबीर साहब ने लिखा था, धरती की कागजात बनाई जाए, वृक्षों की कलम
सागर को स्याही का रूप दे दिया जाए, भगवान के चरित्र लिखे जाए, तो भी भगवान के चरित्र पूरे नहीं हो पाए। ऐसी अद्भुत कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथाएं अपने आप में बड़ी अनंत हैं। लखनलाल ने कहा बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सरस कीन गोसाई। हमने बचपन में बाल काल में दुनिया भर की धनिया तोड़ दी, तब तो तुम आग बबूला हुए नहीं। तो इसी धन से तुम्हारा, इसी धनुष से तुम्हारा ऐसा कौन सा मोह है, इतने आग बबूला होते हुए जा रहे हो। मुलाकात पहली बार हुई है, लक्ष्मण और भगवान परशुराम आमने सामने पहली बार आए, और कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत तोड़ दिए, तब तो आप क्रोध किए नहीं। कब की बात करते हैं वो भी सुन लीजिए। हैयाई वंश के लोगों को कई बार इन्होंने, कई बार क्या 21 बार इन्होंने इस धरती से भीम किया। इन्हें शस्त्र रखने का भारी शौक था, धरती माता से शस्त्रों का वजन सहन नहीं हुआ। एक समय की बात थी, माता धरती ने वैधव्य स्त्री का रूप बनाया, शेष को अपना बेटा बनाया, और वो दोनों के दोनों परशुराम भगवान के यहां पहुंच गए। जाके कहा धरती माता ने, महात्मा जी गुरु जी हमारे लिए रहने को कोई जगह नहीं है, झाड़ू बुहारी करते रहेंगे, इन पेड़ों के नीचे मैं भी पड़ी रहूंगी, स्थान दे दो। परशुराम भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तब के लिए जा रहा हूँ, ठीक है इस स्थान को तो देखते रहे। चलता फिरता आश्रम होता था भगवान परशुराम का, एक जगह टिकते तो थे नहीं, चले गए। एक दिन देखा कि पेड़ के ऊपर कुछ अस्त्र शस्त्र लटक रहे थे, उस छोटे से बालक ने उनको उठाया, उन्हें निष्प्राण कर दिया, निस्तेज। इतने में भगवान परशुराम तप करके आए, तो जैसे शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति का ध्यान किताबों पर रहता है, शस्त्रों में ध्यान रखने वाला व्यक्ति बाहर से भी आएगा तो अपनी बंदूक देखेगा, रिवॉल्वर देखेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, किसी ने छेड़ा छाड़ा तो नहीं। तो उन्होंने जैसे ही आकर के अपने आयुधों को देखा तो वो तो निष्प्राण पड़े। भगवान परशुराम को लगा कि ये जो बुढ़िया है ये भेष छिपा करके आई है, और कहा कौन है तू। अब इतना कहा तो धरती माता अपने रूप में आई, वो बालक शेष के रूप में प्रार्थना करी। धरती माता ने कहा कि तुम्हारे आयुधों का वजन सहन होता नहीं, इसलिए मैं शेष को बेटा बना करके लाई, और उसी ने इन धनुष बाण को सबको निष्प्राण निस्तेज कर दिया। भगवान परशुराम ने कहा बच्चा है कोई बात नहीं, वही शेष आज लक्ष्मण आकर के बने। उन्होंने कहा उस समय मैंने ही सब निष्प्राण कर दिए धनुष को बाणों को, उस समय तो कह दिया बच्चा है कोई बात नहीं, इस धनुष से ऐसा कौन सा मोह है तुम्हारा, कह दिया कि आज आप इतने आग बबूला हो रहे हैं, यही धनु पर ममता कहिए, तो इस पर तुम्हारा कौन सा मोह है, कौन सा ममत्व, इतना का तो सुन शाय बोले भ्रव के तू। ओहो क्रोध सवार हो गया और कहा रन पवालक काल बस बोल तुम लगता है कि मौत तेरी मंडरा रही, तुझे मेरा भय नहीं है, धनु ही शमत्र प्रार धन विदित सकल संसार, तू जानता है पूरी दुनिया जानती है ये धनुष साधारण नहीं हो सकता। लखन लाल ने तो ऐसा लग रहा था कि जलते हवन कुंड में देसी कनस्त्र छोड़ दिया। लखन लाल ने कहा गुरुदेव इसी बात का तो रोना है, अपने आप तुम्हें समय लेना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं हो सकता, तो धनुष को तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता। ओहो जब इतना कहा लखन कहां से हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समान। लखन कहते हैं हमारे लिए तो सब धनुषा ही कही है, का छत लाभ जुन धन तोरे देखा राम नैन के भोरे। राम की गलती क्या है, उन्होंने तो उठाया पुराना ज्यादा था, उन्होंने नया समझ के उठाया, उठाते ही टूट गया, तो इसमें उनका दोष क्या, छुअत टूट रघुपति नहीं दोष, भगवान का इसमें दोष क्या, मुनिमिन कार्य करी कतरोस, तुम तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे। बोले चितय परस की ओरा, उन्होंने कहा फरसा तुझे दिखाई देता है, देख रे सट सुने स्वभाव न मोरा, शायद किसी से तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है। हे मिथिला के लोगों, मुझे आटा मांगने वाला ब्राह्मण ना समझ देना, या तो इसे मेरी आंखों से अलग कर दो नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। लखनलाल ने फिर कह दिया अच्छा अच्छा मुझे आंखों से ओझल करने की बात करते हो तो तुम ही अपनी आंखें बंद कर ले, मुंह दे आंखें कतों कछु नाए, जब आंखें बंद होंगी तो समझ लेना हमारे सामने कुछ है ही नहीं।
बालक बोल बधई नहीं तोई, बच्चा समझकर तुझे मारता नहीं हूं, केवल मन जुड़ जाने मोई मूर्ख, मुझे अकेला महात्मा ही नहीं समझना, बाल ब्रह्मचारी अति कोई। उन्होंने कह दिया मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में भी विख्यात हूं, जिसने अन्याय किया और वो मुझसे बच नहीं सकता, भुज बल भूमि भूप विनुकिनी, अपनी भुजाओं के बल से मैंने धरती को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। राजकुमार सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की तरफ देख, इधर देख। इतना क्रोध भगवान श्री परशुराम करने लगे, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो उन्होंने क्या कहा लखनलाल, क्या कहते हैं उन्होंने, बातें तो बहुत कही, यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं है, कुमड़ी की बेल नहीं है, जे तर्जनी जो तर्जनी उगली को देख करके मुरझा जाए। उन्होंने कहा देख उठान सरासन वाना, तुम क्रोध में चल करके आए तो थोड़ी सी मैंने घमंड भरी बातें मैंने भी बोल दी। उन्होंने क्या कहा, चार लोगों का हमने आज तक कभी विरोध नहीं किया, लखनलाल बोले। वो कहते हैं कि इन चारों से लड़ने में आज तक कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, इन चार से लड़ने में। कौन कौन है, सुर महि सुर हरि जन अरुगाए, लखनलाल की योग्यता देखिए। लखनलाल ने क्या कहा, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हम रघुवंशी कभी प्रहार नहीं करते। उन्होंने कहा इनको मारने पर पाप लगता है और जगत में अपकीर्ति हो जाती है, लिखा है बधे पाप अपकीर्त। तो कहते हैं इनके मारने पर, इनका वध करने पर पाप तो लगता ही है लेकिन दुनिया में अपयश फैल जाता है उनका। क्या सुंदर का, सुर महेश्वर, सुर यानी देवता, महेश्वर ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरु गाई और गौ माता का, हम रघुवंशी इन चार के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मण बोलते हैं, लखनलाल कह रहे हैं क्योंकि इनको मारने पर पाप लगता है, अपकीर्ति होती है, आपका एक एक वचन ही करोड़ों बज्रों के समान है, तो फरसा कंधे पर लटकाए क्यों घूम रहे, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम मुंह में से जो बोल रहे हो इतना कड़वा धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही लादे घूम रहे हो। यहां तक कह दिया कि भले लोगों को गारी देते अच्छा नहीं लगता, गारी देते न पावन सोवा। ओके, इन कथाओं से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देवताओं का विरोध मत कीजिए, ब्राह्मणों से लड़िए मत, गाय के ऊपर दया कीजिए, भक्तों से लड़िए मत। भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं लेकिन वो भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकते, स्पष्ट वर्णन है, आगे आप अवध कांड में आप सुनेंगे। बड़ी सुंदर सी चौपाई है, जो अपराध भगत सन करही राम रोष पावक सो ही जरे, भक्त का अपराध करेगा भगवान के क्रोध से जल के राख हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने स्पष्ट कह दिया है कि हम देवता ब्राह्मण भक्त और गाय, इनके ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते। तो बात तो हमारे और आपके लिए, हमें रामायण में कहे गए इन शब्दों का, इन वाक्यों का पालन करना चाहिए। लखनलाल कहते हैं यदि इनको मारा है तो वो पाप से बचेंगे नहीं और पूरी दुनिया में उनकी अपकीर्ति हो जाएगी, उनका अभ्यास हो जाएगा। जो विलोक अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर,
लखन लाल ने कहा, गुरुवर यदि हमने अनुचित कह दिया तो हम आपसे माफी मांगे लेते हैं। मुस्करा करके कहा, यदि हमने गलती कर दी है तो आपके बच्चे हैं, हम आपसे क्षमा मांगे लेते हैं। आप धनुष बाण लेकर के आए, आपने बात इस तरीके से ढंग से करी तो हमें भी आवेश आ गया है। हम बूढ़े तो हैं नहीं, हम युवा हैं, तो खून तो खोलता ही है। यदि हमने गलती कर दी है तो हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे माफी मांग लेते हैं, आपके चरण पकड़ लेते हैं। सुन सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गवीर। लखन लाल की इस बात को सुनकर के परशुराम के भगवान परशुराम के क्रोध के साथ और वो बड़ी गंभीर वाणी से बोले। क्या बोले? देखा उधर विश्वामित्र जी की तरफ, कहा कौशिक सुनो मंदे है बालक। विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि वाला है, जड़ बुद्धि वाला है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बना बैठा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रिका का कलंक है, बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। ये शब्द कहे भान वंश राकेश कलंक को निपट निरंकुश अवध असंख। सीधी सी बात है, जो परमात्मा के नीचे रह रहा है, उसके वरद हस्त के नीचे रह रहा है, वो तो काल से भी नहीं डरता। तो वो कहाँ डरेगा भैया, वो तो निडर ही होगा। अरे जो भगवान का बन करके जी रहा है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। जो भगवान के हाथ के नीचे भी रह करके भयभीत होकर के जिए तो फिर वो निडर कहाँ रहेगा। कौन सी जगह ऐसी होगी जहां वो निडर होगा। वो जो भगवान के ही वरद हस्त के नीचे जी रहा है तो उसको भय किस बात का होगा, उसको डर किस बात का होगा। तो भगवान परशुराम के तो निपटन संघ पहली बार ऐसा देखा है, मैं फरसा दिखा रहा हूं, कभी मुस्कुरा देता है और कभी मेरे सामने मजाक जैसी करता है, इसे मरने का डर नहीं है, बिल्कुल एकदम निडर बन करके खड़ा है। भगवान परशुराम बोलते, काल कबल हुई है छन माई, कहूं पुकार खोर मोइनाई। अभी क्षण भर में ये काल का भोजन बन जाएगा, मैं पुकार करके कह देता हूं, फिर मुझे मिथिला के लोगों कोई दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध इसको बतला करके मेरी आंखों से आगे कर दो, मैं मार डालूंगा इसको, इससे बच नहीं पाएगा। परशुराम क्रोध कर रहे, लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा। लखन लाल कहते हैं, तुम्हारा यह हमने पहले से सुन रखा है, तुम्हारा यह सुना हमने, तुम्हें ही अक्षत को वर नहीं पारा। लक्ष्मण कहते हैं, मुनि आपका यश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बार वर्णित तो कर दिए, अपने मुंह से तुमने अपनी बड़ाई की। नहीं संतोष न पुण्य कर चुके हूं, अभी इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो और कुछ गालियां दे डालो। यदि अभी भी तुम्हारी रिस सराई नहीं है तो और गाली दे डालो। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहो, मत दुख सहो, और हम खड़े हैं गाली दे लो। आप वीर ताका व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित, गाली देते हुए तुम सोवा नहीं पा रहे हो। ये लखन लाल ने कहा, ये बातें हमारे और आपके लिए हैं सब। वीर व्रती तुम धीर छोबा, गाली देतन पारो से। बहुत लोग तो गालियों के बिना बात ही नहीं करते। सूर समर करनी करें कहीं न जनाब है, आप विद्यमान रन पाए रिपु कायर कहे प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में आपकी तरह ऐसी भाषा नहीं बोलते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। युद्ध करने वाला तो युद्ध करता, तुम तो काल हांक जनला, ऐसा लग रहा है कि काल को हांकने वाले आप ही है। सुनत लखन के वचन कठोरा, ऐसे शब्द जब लखन लाल के सुने तो इतना क्रोध आ गया, भगवान परशुराम लखन लाल के पीछे भागे। तब प्रभु श्री राम जी सम्मुख आ गए, राम जी ने हाथ जोड़े। प्रभु राम ने कहा, अपराधी मैं दास तुम्हारा, गुरुवर अपराध तो मैंने किया है। थर थर कांपे पुर नर नारी, पूरे नगर के लोग कांप रहे थे। क्या कहते हैं कि बड़ा वाला बड़ा सीधा, लेकिन छोट कुमार खोट बड़वा के, छोटा वाला तो लाल मिर्च है बिल्कुल, बड़ा खोटा शांत नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम जी आए, आंख में आंसू आ गए, कहा गुरु जी बर रहे बालक एक स्वभाव, बर और बच्चों का तो एक ही स्वभाव होता है। कुछ बच्चे गलती कर दें तो उनको क्षमा कर दिया जाता है, उन्हें माफ कर दिया जाता है। गुण ही लखन कर हम पर रोसू, कतम सुदायु ते बड़ दोसू।
कहते हैं अपराध तो चलो हमने कर दिया है, आप जो भी दंड देंगे हम बिल्कुल सहने के लिए लेने के लिए तैयार हैं। ये बच्चा है अभी और हम तो आपके चरणों के दास हैं, आपका तो नाम ही इतना बड़ा है, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ा नाम तुम्हारा, हम तो हमेशा से आपके चरणों के भक्त रहे। देव एक गुण धनुष हमारे, हमारे पास तो एक एक गुण है, हम धनुष धारण करते हैं, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, लेकिन हे देवता तुम्हारे पास तो नौ गुण है, ब्राह्मण के नौ गुण। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हम। प्रभु राम कहते हैं कि हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हैं, हमने अपराध किया है, तो हमारे अपराध को आप क्षमा करो। तब भगवान परशुराम क्या बोले, भगवान परशुराम ने कहा कि यदि तुम राम हो, तो राम है, तो इस धनुष के ऊपर तुम प्रत्यंचा चला, नहीं तो फिर मेरे साथ संग्राम करो। जब युद्ध की बात करी तब प्रभु राम की आंख में आंसू आए, भगवान राम ने कहा गुरुदेव हम रघुवंशी हैं, हम काल से भी डरते नहीं है, काल हमारी पीठ नहीं देखता, लेकिन हम रघुवंशियों ने हमेशा से ब्राह्मणों के चरणों को पूजा है, तुम्हारे पुरखों ने मेरी छाती में लात का प्रहार किया, चरण प्रहार किया, मेरे प्रभु श्री राम जी ने छाती खोलकर वो चरण चिन्ह दिखा दिया, हमने तो हमेशा से आप विप्र देवताओं के चरण धोकर के चरणों तक लिया है, क्योंकि तुमसे तो यदि कोई जीत भी जाएगा तो भी वो हारा हुआ है, आप तपस्वी ब्राह्मण देव हैं, आपसे लड़ाई नहीं, आपके तो चरणों में शिष्य बन करके साधक को रहना चाहिए, हर प्रकार से हम आपसे हारे हैं, आप हमसे बार बार युद्ध की बात मत करिए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हम रघुवंशी हैं, हमने तो हमेशा से ब्राह्मण देवताओं की पूजा की है, उनके चरण पूजे हैं, उनके चरण का चरणों तक लिया है, प्रभु श्री राम जी कितने सहज। जब उन्होंने इतना कहा तब भगवान परशुराम को लगा, प्रभु राम की इन बातों को सुनकर के परशुराम जी को लगा कहीं धरणीधर का अवतार तो नहीं हो गया, राम एक बार इस धनुष के ऊपर पतंचा तो चढ़ा दो, देत चाप आप ही चल गए हो, कहा गया कि वाण चल गया अपने आप, परशुराम तब विस्मय, तब भगवान परशुराम जी को लगा जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित, प्रभु राम जी के प्रभाव को समझ लिया, दोनों हाथ जोड़े जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। 284 दोहे पर कथा पहुंच गई है, कुछ चौपाइयों में क्या अद्भुत स्तुति, भगवान परशुराम ने प्रभु श्री राम की, अगर नहीं बहुत प्यारी चौपाई।